यदि आप उनकी पृष्ठभूमि को पूरा नापेंगे तोलेंगे तो संगठन से लेकर के सरकार में तमाम सारे पदों पर उनको रहने का मौका मिला और जहां पर भी वो रहे वहां उन्होंने अपने आप को साबित किया। संगठन के लिहाज से यदि मैं कहूंगा तो अभी निवर्तमान जो हमारे अध्यक्ष जी थे चौपाल जी, उनके साथ वो महामंत्री थे और किसी भी संगठन में पार्टीज के अंदर महामंत्री का जो पद है वो कहीं ना कहीं अध्यक्ष की तरफ एक स्टेपिंग स्टोन का काम करता है। तो एक तीरथ सिंह रावत जी चौहान जी पास चौहान जी, अगर सारी चीजें ऐसे ही साफ साफ होती जितना आप दिखा रहे हैं तो फिर उत्तराखंड बीजेपी तो राष्ट्रीय बीजेपी के लिए भी आदर्श इकाई बन जाती है। विकल भाई सही कह रहा हूं मैं? बिल्कुल सही अतुल भाई, बिल्कुल सही। जितना साफ साफ ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, अगर सब कुछ उतना साफ होता तो क्या मीडिया में जो खबरें आ रही हैं वो खबरें गलत हैं कि साहब निशंक जी ने कोर्ट द्वार में ऐसी भांजी मारी कि खंडूड़ी है जरूरी, उन्हें गैर जरूरी कर दिया, ये आरोप लगे? ये मैं नहीं कहता, आला कमान तक तूतू मैं पहुंची। खंडूड़ी जी अलग चल रहे हैं, कोश्यारी जी अलग चल रहे हैं, निशंक जी तो सबसे आगे चलते हैं, ऐसा उनके करीबियों का दावा है। अभिकल भाई जरा आप इस पर आप रोशन डालिए। देखिए अतुल भाई, जो संकट है बीजेपी के अंदर वो अभी बरकरार है और चौहान जी को आज हमने इसलिए भी इनवाइट किया था कि वो एक बार फिर से बीजेपी में आए हैं और किसी भी गुट के साथ टाइप्ड नहीं है, उनकी छवि थोड़ा निष्पक्ष मानी जाती है। और ये सभी गुटों से ऊपर है, ये सभी गुटों से ऊपर है, क्योंकि जिस भी गुट में जाएंगे उस गुट के मुखिया को लगेगा कि भैया मेरा कंप्यूटर मेरे गुट में आ गया। हमें ये उम्मीद है कि आगे ये थोड़ी और सच बोलेंगे, लेकिन जहां भी ये सवाल उठ रहा है कि जो तीरथ सिंह रावत नए आए हैं वो जो गुट है बीजेपी के उनमें समन्वय स्थापित कर पाएंगे, इसमें मुझे पूरी तरह शक है। तीरथ सिंह रावत के पास कोई अलादीन का चिराग नहीं आ गया हाथ में कि वो खंडूड़ी और कोश्यारी और निशंक को बैठा के एक सूत्र में या एक त्रिवेणी इनकी बना दे इलाहाबाद प्रयाग की तरह, ऐसा नहीं हो सकता है। क्योंकि इस पूरे मामले में कोश्यारी जी को जो झटका लगा है वो नहीं बन पाए या त्रिवेंद्र रावत नहीं बन पाए और वो अभी तक चुप्पी उन्होंने साधी हुई है, वो इस मुद्दे पर कुछ नहीं बोल रहे हैं। और राजनाथ सिंह जी के आवास पे जो बैठक हुई थी उसमें अंदरूनी खबर ये है कि बहुत गर्मा गर्मी प्रदेश के भाजपा के तीन बड़े नेताओं के बीच में हुई थी इस मुद्दे को लेके, और कोश्यारी जी आधे में से चले गए थे। तो पहला सवाल तो तीरथ सिंह रावत के सामने ये है कि ये जो तीनों छत्रपों का जो अहम है इसके बीच में से वो कैसा अपना रास्ता बनाते हैं। दूसरी बात यह है कि तीरथ सिंह रावत बहुत युवा हैं, नए हैं, नम्र स्वभाव के हैं, विनम्र हैं, मधुर बोलते हैं, लेकिन आक्रामकता उनके स्वभाव में आनी चाहिए, कहीं ऐसा ना हो कि वो एक कठपुतली बनकर रह जाए एक गुट विशेष के। कहीं ऐसा भी ना हो कि आक्रामकता है तो जो बाकी दो गुट वाले हैं वो उनके ऊपर हमला कर दें कि ले और करो। अतुल ये भी दिक्कत होगी, ये भी अतुल भाई कभी कभी राजनीति में मजबूरी भी होती है और मजबूरी के कारण भी कुर्सियां मिलती हैं। आपने देखा दिल्ली में देवगौड़ा कैसे बैठे थे, आई के गुजराल कैसे बैठे, मनमोहन सिंह कैसे बैठे। नहीं ये आपका खुद का सोचना है, है ना? मनमोहन सिंह नहीं, नहीं। मैं बहुत खुश हूँ। नहीं नहीं, और यूपी में सीपी गुप्ता जी कैसे बैठे, अमिताभ जी आपको पता ही है। राजनीति की मजबूरियां होती है, उस मजबूरी के तहत कभी कभी आपको चांस मिल जाता है। और इसको भी मैं मजबूरी मान रहा हूँ तीरथ सिंह रावत की या राजनीति की या भाजपा नेताओं के तीनों छत्रपों की। इस पूरे मामले में खंडूड़ी जी और निशंक जी एक बार फिर साथ हैं। अच्छा अभिकल भाई मुझे बताइए, अगर इन तीनों छत्रपों की मजबूरी है और खुद इनकी मजबूरी है तो पार्टी आला कमान के सामने क्या मजबूरी है भाई? सवाल तो ये बड़ा है ना, क्योंकि राजनाथ सिंह जी ने जिस अंदाज में कहा कि पूरे घर के बदल डालूंगा टाइप्स, पूरे घर के बदल डालूंगा के चक्कर में, जबकि राजनाथ सिंह जी और कोश्यारी जी तो बहुत करीबी है जैसा मैंने सुना है, जो मेरी जानकारी है, फिर ऐसा क्यों? अतुल भाई मैंने पहले भी कहा है, अभी मैं फिर दोहरा रहा हूं कि कभी कभी आपको किसी के करीबी होने का खामियाजा भी भुगतना पड़ता है। कुर्सी एक बार साफ लग रही थी कि भगत सिंह कोश्यारी के हाथ में चली जाएगी, तो क्या फिर कोश्यारी जी की नाराजगी को किसी दूसरे तरीके से कॉम्प्लीमेंट किया जाएगा, कंपनसेट किया जाएगा? बिल्कुल बिल्कुल किया जाएगा, उन्हें राजनाथ सिंह कहीं ना कहीं वैसे भी अहम पोस्ट पर है, अहम जिम्मेदारी पे है और भाजपा के बड़े नेताओं में शुमार है, हो सकता है उनकी जिम्मेदारी में तब्दीली की जाए और उन्हें कोई एक नया अहम पद दिया जाए ताकि उनकी भी नाराजगी इसमें दूर हो। नमुना सिंह चौहान जी, देखिए अतुल जी एक दो तीन चीज इसमें बड़ी स्पष्ट करना चाहूंगा। एक तो अभी अभिकल जी जो कह रहे थे उत्तराखंड भारतीय जनता पार्टी के संदर्भ में यदि कहूं इस बात को,
तो यहां पर यदि आप खंडूरी जी और कोश्यारी जी की बात करें, क्योंकि एक संदर्भ आया कि कोश्यारी जी को बनना था, फिर कोश्यारी जी नहीं बन पाए, तो मैं इस बात को इसलिए सहमत नहीं हूं कि कोश्यारी जी और खंडूरी जी का जहां तक सवाल है, तो उत्तराखंड के संदर्भ में मैंने कहा, मैं राष्ट्रीय संदर्भ में नहीं कर रहा हूं, उत्तराखंड के संदर्भ में वो किसी दौड़ में सम्मिलित है, किसी अध्यक्ष पद के दौड़ में है, ये मैं नहीं मानता हूं। मैं इस पर एक टिप्पणी करूंगा, मैं शब्दों का चयन थोड़ा सा बहुत कंजूसी से भी करता हूं और बहुत आसानी से नवाजता नहीं हूं किसी को शब्दों से, लेकिन मैं उत्तराखंड के संदर्भ में मैं जानता हूं कि बहुत तीखी टिप्पणी भी अमिताभ जी कर सकते हैं, लेकिन मैं ये कहूंगा कि उत्तराखंड के संदर्भ में कोश्यारी जी और खंडूरी जी को मैं कहूंगा दे आर लीडर इन अ लार्जर सेंस, इसलिए उनके लिए कहना कि वो किसी पद के दौड़ में थे, दे आर लीडर इन अ लार्जर सेंस, मच लार्जर सेंस में कहूंगा। और निशंक जी और इसलिए मैंने कहा, और निशंक जी कहीं पर भी, निशंक जी कहीं पर भी मैंने कहा, देखिए मैंने मेरी चौहान साहब, निशंक जी लीडर 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 इन अ मच लार्जर सेंस, हाँ नहीं, और निशंक जी मैंने कहा मैंने दो लीडर्स के बारे में कहा दे आर लीडर इन मच लार्जर सेंस, इसलिए हम उनको कहें कि वो किसी दौड़ में सम्मिलित है, इसका कोई मतलब नहीं तो है। क्या तीसरे को कहेंगे? राष्ट्रीय नेताओं के अंदर कई बार जब कहीं पर लगता है कि बहुत ज्यादा फंस गई है कोई मामला, तो कई बार बीच का रास्ता निकालने के लिए बहुत सीनियर को ला करके कहीं पैचअप करने की कोशिश करनी होती है। तो ये जो तमाम सारा घटनाक्रम हुआ उसको केवल मैं इतना मात्र देखता हूं कि जब थोड़ा सा ये देखा कि फर्स्ट एमंग इक्वल्स की जब बात आती है, जैसे हम लोकतंत्र में कहते भी हैं फर्स्ट एमंग इक्वल्स, तो फर्स्ट एमंग इक्वल्स में जब कभी थोड़ा सा खींचातानी ज्यादा बढ़ जाती है, तो कई बार आपको बहुत वरिष्ठ को बीच में ला करके आप सिचुएशन को फिजल आउट करने का, आप इसको जिसे कहना चाहिए थोड़ा सा तनाव मुक्त करने की बात करते हैं। तो इतनी ही बात थी। और निश्चित रूप से आज तीरथ रावत जी जो प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष बने हैं, आप निश्चित रूप से मानिए विनम्रता उनका स्वभाव है, सबको साथ लेकर के चलने की उनकी क्षमता है। मैंने कहा संगठन का बहुत लंबा तजुर्बा है और जो समन्वय स्थापित करने की उनकी एक क्षमता है, आप यकीन रखिए मुन्ना सिंह जी, उत्तराखंड के अंदर भारतीय जनता पार्टी, मुझे यकीन है वो बीजेपी को अच्छा बीजेपी को अच्छी पोजीशन पे लेकर आएंगे। लेकिन सुनिए मुन्ना सिंह साहब छोटे सवाल, छोटा छोटा जवाब, तो सफर बहुत लंबा लगेगा, मजा आएगा। आपने दो बड़े नेताओं के नाम लिए, तीसरे नेता को या तो आप बड़ा नहीं मानते या आप उनको इस लायक नहीं मानते कि उनकी चर्चा की जाए। नहीं, मैंने कहा हेलो, बोलिए। उत्तराखंड भारतीय जनता पार्टी में सीनियर लीडर्स की कोई कमी नहीं है। मोहन सिंह रावत गांववासी जी बहुत अति वरिष्ठ हैं, निशंक जी भी वरिष्ठ हैं, मुख्यमंत्री रहे हैं, जो मुख्यमंत्री नहीं बने, बहुत प्रदेश अध्यक्ष नहीं बने, उनमें बहुत वरिष्ठ लोग हैं, ध्यानी जी अति वरिष्ठ हैं। लेकिन मैंने कहा मैं शब्दों का चयन बहुत सोच समझ करके करता हूँ। ठीक है इसी पद से उनकी तुलना करना मैं जरूरी नहीं समझता। ठीक बात है अभिकल भाई, ये बिटवीन द लाइंस में अगर पढ़ूं तो कैसे पढ़ेंगे आप, क्योंकि आप करीब बैठे ज्यादा अच्छा पढ़ सकते हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि चौहान जी थोड़े दार्शनिक आज ज्यादा हो गए हैं। और जब दार्शनिक वो हो जाते हैं तो वो सच से भी थोड़ा कभी कभी किनारा करते हैं, थोड़ा मुझे ऐसा लग रहा है आज। अच्छा, डेविएट हो जाते हैं। सवाल यहाँ पे इस समय महत्वपूर्ण ये है कि इस कुर्सी में जो दो बड़े नेता साथ चल रहे थे, जिनका बार बार चौहान जी जिक्र कर रहे हैं और मान भी रहे हैं, कह भी रहे हैं, खंडूरी जी कोश्यारी का, उनके बीच में जो रिफ्ट हुई है, ये बीजेपी को किस दिशा में ले जाएगी? 2007 में ये दोनों नेता एक रथ पे गए और इन्होंने अच्छा प्रदर्शन करा, इनकी पार्टी सत्ता में आई, आज भी जाएंगे, है ना। और 2012 का जो विधानसभा चुनाव था उसमें साफ ये बताया जा रहा था, बीजेपी ने जो सर्वे कराया था, 8 से 10 या 10 से 12 सीट लाएंगे, जब निशंक जी सीएम थे। जी जी, उसी दौरान की बात मैं कह रहा हूं, इसीलिए खंडूरी जी आए, क्योंकि कोश्यारी जी खंडूरी जी साथ थे, तो फिर खंडूरी जी दोबारा आए, तो ये 31 तक सीट ले गए। ये अलग बात है कि खंडूरी जी भी हार गए, और ये अलग बात है कि कपकोट में कोश्यारी जी का कैंडिडेट भी हार गया। लेकिन दोनों के मैसेज था। इस समय कहानी ये चेंज हो गई है बीजेपी की कि कोश्यारी जी इस समय अलग थलग है, वो नाराज है, बिल्कुल है, चौहान जी को ये मानना पड़ेगा,
हालांकि वो कहेंगे नहीं, लेकिन ये मानना पड़ेगा, अंदर से मन से मानना पड़ेगा कि वो नाराज है इस पूरे घटनाक्रम से जो जो भी हुआ है, ठीक है। और इस समय खंडूड़ी जी और निशंक जी साथ हैं इस मुद्दे पे, तीरथ सिंह रावत के क्यों चौहान खंडूड़ी जी और निशंक जी साथ हैं कोर्ट द्वार में, कोर्ट द्वार में करारी हार झेलने के बावजूद साथ हैं, तो राजनीति जो ना कराए तो थोड़ा भैया। यही तो अतुल भाई, यही तो हो रहा है। नहीं नहीं देखिए, चौहान साहब बहुत संक्षेप में 30 सेकंड फॉर यू ओनली प्लीज। देखिए बिल्कुल 30 सेकंड में मैं जवाब दे रहा हूँ। जी जी, इस बात को आपने कहा, मुझे इस सच्चाई को स्वीकार करने में कोई हर्ज नहीं है कि जहां तक पिछला लोकसभा विधानसभा का चुनाव रहा, भारतीय जनता पार्टी की इंटरनल बिकरिंग, मैं तो भारतीय जनता पार्टी में था भी नहीं, तमाशा हमने भी बाहर से देखा, भारतीय जनता पार्टी की जो इन फाइटिंग्स थी उसी ने ही भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से बाहर करने का काम किया, और इस बात में भी कहने में कोई नहीं है, उसी इन फाइटिंग की कैजुअल्टी जनरल खंडूरी भी थे कि वो चुनाव हार गए। मुझे सच्चाई को स्वीकार करने में कोई हर्ज नहीं है, ये तो कैजुअल्टी बाय होम, ये भी कैजुअल्टी बाय होम, ये भी समझना पड़ेगा ना, कैजुअल्टी बाय होम। हाँ नहीं नहीं, मैंने कहा इन फाइटिंग थी पार्टी के अंदर, और निश्चित रूप से पार्टी के लोगों ने ही नुकसान पहुंचाया जिसकी वजह से खंडूरी जी चुनाव हार गए और भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से बाहर होने का रास्ता दिखाया गया। ठीक बात है, तो ये तमाम सारी बातें हैं, मुझे लगता है कि इन तमाम सारी बातों से पार्टी ने बहुत सीखा है जी, जी। और ये जो तमाम जो आज सवाल जी, खड़े टाइम हो रहे up, प्लीज। निश्चित रूप से कोश्यारी जी और खंडूरी जी की बहुत मजबूत जुगलबंदी आपको फिर से देखने को मिलेगी जी। और जिस प्रकार से आपने कहा कि एक रथ पे सवार होकर के उन्होंने पिछले चुनाव लड़ा, आप निशंक जी को बार बार खारिज कर रहे हैं, मेरी जिज्ञासा इसलिए बढ़ती जा रही है कि आप एक रथ में इन दोनों को सवार कर रहे हैं, निशंक जी ने क्या बिगाड़ा भैया आपका? नहीं नहीं, ये तो मैंने इसलिए कहा कि आपने कहा कि पिछले चुनाव में एक रथ पे सवार थे, मैंने कहा ये फिर से एक रथ पे सवार थे। निशंक जी भी पार्टी के वरिष्ठ नेता है, वो भी रथ पे सवार होंगे ना, निश्चित रूप से सभी लोग मिलकर के पार्टी, नहीं वो भी रथ पे सवार होंगे ना, रथ में नहीं, वो एक अपना रथ बना लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। हाँ वो इतने सक्षम तो हैं, बड़ा भ्रष्टाचार के आरोप लगे और आजकल रथ की कीमत भी कम हो गई, आजकल तो बहुत सस्ते में रथ बन जाता है। अमिताभ जी संवाद की टिप्पणी कर दीजिए। देखिए मुन्ना सिंह चौहान भद्र राजनेता हैं और शब्दों के चयन को जानते हैं, वक्त की नजाकत को भी समझते हैं, इसलिए आज उन्होंने बड़ी खूबसूरती से खुद को एक ऐसे प्रसंग से निकाल लिया जहां कहीं कुछ असहज स्थिति हो सकती थी। तो उन्होंने कहा कि को बड़ छोट कहत अपराधु, राम बड़े या शंकर, इस चक्कर में मैं क्यों पढ़ू भाई, जिसको छोटा बताऊंगा अपराध हो जाएगा। तो तुलसीदास ने कहा को बड़ छोट कहत अपराधु, बोलो ही नहीं। एक दौर था जब भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय स्तर पर लोग वाजपेयी जी और अडवाणी जी को लेकर ऐसी ही टिप्पणी करते थे, कहते थे भाई राम का ईश्वर शंकर, ये शंकर के ईश्वर राम, रामेश्वर का अर्थ पता नहीं हमको, खत्म बात। तो वैसी स्थिति में आज मुन्ना सिंह जी ने अच्छा प्ले किया, मतलब उनका स्ट्रोक अच्छा था, समझदारी भरा, सिंगल खेल रहा था, अच्छा खेला। लेकिन उनके पास पार्टी की मर्यादा है और उस मर्यादा का पालन भी होना चाहिए, मैं उस पक्ष में भी हूं कि अगर आप पार्टी में हैं तो उसकी मर्यादा की लक्ष्मण रेखा का पालन करिए, ठीक है, उसके भीतर जितनी क्रांति परमिसेबल है उतनी करिए, ठीक है, नहीं तो पार्टी छोड़िए, ठीक है, अच्छी बात है। लेकिन ये जो घटनाक्रम हुआ नए अध्यक्ष का, इसमें तीन बातें बिल्कुल साफ है जी। अगर कोई ये कहे कि सब अच्छा था तो वो असत्य बोल रहा है या अर्धसत्य बोल रहा है। स्थिति तनावपूर्ण थी, पर्चे भर गए, दोनों तरफ से जयकारा हो गया, दोनों तरफ की सेनाएं आमने सामने आ गई, युद्ध की घोषणा होती तब तक पर्यवेक्षक के हाथ पैर फूल गए, उसने कहा समेटो भाई सब लोग दिल्ली चलो, पंचायत दिल्ली आ गई, अध्यक्ष का बदलाव हो गया राष्ट्रीय पटल पर। अब फिर प्रश्न आया उत्तराखंड में, एक मैसेज गया कि राजनाथ जी अध्यक्ष बने हैं, राजनाथ जी और कोश्यारी जी का रिश्ता अच्छा है, अभिकल जी कहीं गलत बोलू तो बताइएगा, ये एक मैसेज उत्तराखंड में ट्रेवल हुआ, तो इसलिए भगदड़ का नाम एकदम सबसे ऊपर हो गया। लेकिन मैं जो समझता हूं, एक बीजेपी के एक बहुत गुणी व्यक्ति ने मुझे ये गणित समझाया तो मैं उससे सहमत हुआ, वो गणित आपसे शेयर करता बहुत संक्षेप। उन्होंने कहा कि भाई राजनाथ जी को जिस कारण से आप बता रहे हो कोश्यारी जी प्रिय थे, वही कारण अगर महत्वपूर्ण था तो वो कारण तो सिद्ध हो गया, तीरथ रावत बन गए तो भी वही कारण सिद्ध हो गया जो कोश्यारी जी से होता, और इनको तीरथ रावत को बनाने से दो नेता जो थे वो बोनस में प्लस हो गए, वो बोनस में संतुष्ट हो गए, हमारे साथ हो गए, तो हमारा जनाधार जो है वहां मैसेज भी चला गया और दो बड़े नेता भी
हमसे संतुष्ट हो गए इस नफे के सौदे में, कहां दिक्कत थी किसी को? नहीं, और भगत सिंह तो खैर आपके अपने ही, तो ये जो ये बात भी मुझे समझ आई, क्योंकि राजनीति में जातियों का खेल भी अपने ढंग का है। ठीक बात है, और जातीय हकीकतों से इनकार कोई नहीं कर सकता, लेकिन फिर भी मैं कहूंगा